जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फॉरम से। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, आपको इनसे नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस का जो मेरा पर्पज़ है वो पूरा हो रहा होगा। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है कि बच्चे के गले के गिर्द जो नाड़ आ जाती है या नाड़ू आ जाता है या अम्बिलिकल कॉर्ड जो उसके अराउंड आ जाती है, क्या वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और उस सूरत में ऑपरेशन ही कर देना बेहतर है या कोई और हल निकाला जा सकता है। जब तक कि मैं बनाती हूँ इस पर डिटेल वीडियो, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि मेरी वीडियो को पूरा सुना करें, कोई क्वेश्चन क्वेरीज़ और ज़रूर कमेंट करें, और इसके अलावा आपको मुख्तलिफ प्लेटफार्म के ऊपर इसको शेयर करें, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करें इसको, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफज़ाई होती रहे। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मुश्किल शेड्यूल से टाइम निकाल के सेटल करके तो मैं वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ और मैं इंशाल्लाह बनाती रहूँगी। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे के गिर्द, गले के गिर्द जो नाड़ हो जाती है वो इसकी क्या वजूहात हैं, तो और इससे क्या बच्चे को कोई नुकसान पहुँच सकता है, और क्या अगर 9वें महीने में बच्चे के गले के गिर्द नाड़ हो तो क्या ऑपरेशन कर देना बेहतर है। इन आपके इनके सारे सवालों का जवाब देंगे इंशाल्लाह आगे चल के। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका बेबी होता है वो यूट्रस के अंदर एक पानी के बैग के अंदर लिपटा होता है, और जिसमें क्या होती है कि ये नाड़ भी मौजूद होती है। अब ये नाड़ क्या करती है, ये आवल से शुरू होती है और बच्चे की नाफ वाली जगह पे जाके अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। अब जो आवल है या प्लेसेंटा है वो माँ के खून में से अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, शुगर, जो जो गजाई अजियात चाहिए हैं वो उसमें से अपने अंदर ले लेता है, और फिर प्लेसेंटा से कुछ नालियों की मदद से अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए से वो बच्चे तक पहुंच जाती है, और इस तरह से बच्चा अपनी खुराक माँ से लेता रहता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि 10 में से 4 से 5 बच्चों के गले के गिर्द ये किसी न किसी टाइम पे जो नाड़ है वो लिपट जाती है। तो होती क्यों है, किन लोगों में ज़्यादा होती है, जिनके अंदर बच्चे की मूवमेंट अच्छी होती है उनके अंदर ऐसा होता है, क्योंकि बच्चा इस अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ प्ले करता है ड्यूरिंग जो है वो 9 मंथ्स तक। अगर जिनका पानी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर इस अम्बिलिकल कॉर्ड के वो बच्चे की गर्दन के गिर्द निपटने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाज़ मरीज़ों के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड लंबी होती है तो उस केसेस में भी बच्चा इसको अपनी गर्दन के गिर्द ले लेता है। तो स्पेशल कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें बच्चा इसको अपनी गर्दन के गिर्द आ जाती है, ये किसी भी 10 में से 4 से 5 मरीज़ों के अंदर ये हो सकती है। अब क्या होता है कि आपकी डिलीवरी से पहले तकरीबन कोई 9 मंथ के स्टार्ट में ही डॉक्टर आपका जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें ये अपने रेडियोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि भाई देखें बच्चे के गले के गिर्द कोई नाड़ तो नहीं है, और अगर आपकी बच्चे के गले के गिर्द नाड़ आ जाती है तो उस सूरत के अंदर अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको डराती नहीं हैं, वो आपको सिर्फ ये बात बता देती हैं कि आपके बच्चे के गले के गिर्द नाड़ है और ये कितने परसेंट है। 100% का मतलब ये है कि वो पूरी उसने लूप बनाया हुआ है, वो 50% है, 100% है, अगर कम्प्लीटली है तो कितने लूप्स हैं। हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 5-5 दफ़ा जो लूप्स हैं वो भी देखे हुए हैं, और वो बच्चे नॉर्मल पैदा हुए, और क्योंकि पहले पता ही नहीं था, डिलीवरी के बाद पता चला जी कि इतनी दफ़ा ये लिपटी हुई है कॉर्ड उनके गले के गिर्द। तो अच्छी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको अवेयर करती हैं कि ये इस तरह से नाड़ है, और अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से वो रिकन्फर्म करती हैं कि ये बहुत टाइट है या लूज़ है। अब टाइट और लूज़ का किस तरह से पता चलता है, जो टाइट होती है उसके अंदर ब्लड फ्लो थोड़ा तेज़ हो जाता है, और लूज़ में क्या होता है, आराम से अपनी स्पीड के साथ जो है वो जा रहा होता है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं, दूसरा ये कि कितने लूप्स ऑफ कॉर्ड हैं, और उसके साथ ही वो आपको सिंपल 9 मंथ में ये कहती हैं कि आप अपना नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराएं, यानी कि आपको लेबर रूम में भेजा जाता है और वहाँ पे 15 से 20 मिनट तक आपके बच्चे की हार्ट बीट को मॉनिटर किया जाता है मुसलसल, वो CTG की फॉर्म में होती है, इसको कार्डियोटोकोग्राफी भी कहते हैं, CTG भी कहते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, यानी लेबर के बगैर आपने बच्चे की जो धड़कन है उसको देखा। अगर आपकी CTG रिएक्टिव आती है तो आपकी डॉक्टर आपको इनक्रेज करती है कि आप अपने बच्चे की हरकत का ख्याल रखें, और खुदा ना खास्ता अगर कभी हरकत कम हो तो हमें बताएं। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड चल गया कि जैसे ही बच्चे के गले के गिर्द नाड़ नज़र आती है वो मरीज़ को इतना डराना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह से ये C-section की तरफ एडजस्ट हो जाए, और ऐसी ऐसी थ्योरीज मुझे आके मरीज़ सुनाते हैं
कि ये गले का फंदा है, ऐसा नहीं होता। देखें बहुत सारे पेशेंट्स हमने स्पेशली गवर्नमेंट सेटअप में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, बिल्कुल अलाइव हेल्दी बच्चे डिलीवर किए हैं कॉर्ड के साथ और वो बड़ा अच्छा कराए करते हैं। अब कॉर्ड के साथ आपने अपने ये टेस्ट करवा लिए, उसके बाद जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आपने अपनी जो बच्चे की हरकत है उसका ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा इस मरीज़ों को हम ये हदायत करते हैं कि अगर आपको पेन्स आ जाती हैं तो आप घर में ना रुकें। वैसे हम बहुत सारे पेशेंट को कहते हैं कि जब आपको पेन्स आएँ तो आप कोशिश करें, अगर मूवमेंट ठीक है तो आप घर में पेन्स लेके आएँ। अगर उनमें शुगर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, पानी बच्चे का पूरा है, बच्चे का साइज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम उनसे कहते हैं कि आप पेन्स जो कम अज़ कम कच्ची दर्दें हैं वो घर में लेके आएँ ताकि आप हॉस्पिटल में आके फ्रस्ट्रेट ना हो। इन पेशेंट्स को हम ये नहीं कहते, इनको हम कहते हैं कि जैसे ही आपको पेन स्टार्ट हो तो आपने हमारे पास हॉस्पिटल आ जाना है। अब जब ये पेशेंट हॉस्पिटल आ जाते हैं तो हम इनकी कॉन्टीन्यूस हार्ट बीट मॉनिटरिंग करते हैं बच्चे की। एक आला होता है जो इनके पेट के ऊपर अटैच कर दिया जाता है, जो उनके बच्चे की हार्ट बीट सुन के ना एक ग्राफ बनाता रहता है। अब वो कॉन्टीन्यूसली बच्चे की हार्ट बीट का पैटर्न मॉनिटर हो रहा होता है। नॉर्मल बच्चे की हार्ट बीट 120 से लेके 160 तक होती है और पूरी दर्दों के दौरान वो आला लगा रहता है, और अगर बच्चे की हार्ट बीट सब कुछ ठीक रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बच्चे की गर्दन के गिर्द कॉर्ड जो है वो कतन इस बात का मैसेज नहीं होता कि आप डायरेक्ट सी सेक्शन कर दें। मैंने अपने पर्सनल प्रैक्टिस में, प्राइवेट में बहुत सारे पेशेंट कॉर्ड अराउंड नेक के साथ डिलीवर किए हुए हैं, और यकीन जाने कि मैंने ये देखा, मुझे लगता था कि शायद इनकी हार्ट बीट ख़राब हो जाएगी, लेकिन मैंने देखा कि वो बिल्कुल एंड तक ठीक रहे और वो नॉर्मल डिलीवर हुए। और खुदा न खास्ता अगर हार्ट बीट ख़राब होती है तो आपके हॉस्पिटल में ज़ाहिर है हर जगह ऑपरेशन, इमरजेंसी सी सेक्शन की सहूलत मुयसर होती है, तो वो हम उसमें जो है वो पेशेंट का सी सेक्शन कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली कॉर्ड अराउंड के ऊपर सी सेक्शन कर देना पेशेंट को डरा के, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। और ये क्रिमिनल एक्ट कब ख़त्म होगा? जब आपको इस बात का पता चलेगा। आप WHO की गाइडलाइंस देख लें, आप रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी UK की गाइडलाइंस देख लें, आप अमेरिकन बोर्ड ऑफ कंसल्टेंट्स ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की गाइडलाइंस देख लें, कहीं पे भी ये एक दफ़ा भी नहीं लिखा हुआ कि आपके बच्चे के कॉर्ड के अराउंड। ये एक फैशन बन गया है बस, और चूँकि इसको एक तशबीह दी जाने लगी है कि बच्चे की गर्दन के गिर्द नाड़ फंस गई है तो शायद उसका सांस बंद हो जाएगा, तो आपका बच्चा जो जितनी भी ऑक्सीजन और खुराक है वो माँ के पेट में वो पानी के अंदर सांस नहीं ले रहा होता, उसको सारी जो खुराक ऑक्सीजन एवरीथिंग है वो माँ के खून से जा रहा होता है और उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर से जा रहा होता है। अगर वो अम्बिलिकल कॉर्ड लूज़ है, इवन अगर टाइट भी है, तो वो आपको इस बात का अंदेशा नहीं है कि दर्दों के दौरान जो है वो आपका जो है वो बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाएगी। बहुत सारे पेशेंट नॉर्मल डिलीवर करते हैं। तो इसके ऊपर वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप में से जिस किसी को भी, क्योंकि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, यानी 100 में से मैंने बताया 4 या 5, 10 में से 4 या 5, यानी 100 में से तकरीबन 40 या 50 मिली, जिसकी इतना ज़्यादा रेशो है। तो जब भी किसी पेशेंट को ये पता चलता है कि मेरे कॉर्ड अराउंड नेक है, तो वो इतना परेशान हो जाता है, वो सेकंड ओपिनियंस लेता है, और सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। अगर आप वो कहते हैं कि जी हम आपका सी सेक्शन करेंगे, तो ज़रूर सेकंड ओपिनियन लें, क्योंकि आप ज़ाहिर है जब आपको डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि थिंग्स आर गेटिंग, तो आपके जेहन में जो है वो चीज़ें। हाँ, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप कॉर्ड अराउंड नेक के साथ किसी ऐसी जगह पे नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ना लें। वो तो मैं सबको कहती हूँ, किसी को भी नहीं, बच्चे के दिल की धड़कन दर्दों के दौरान किसी की भी ख़राब हो सकती है, जहाँ पे सी सेक्शन की सहूलत मैसर ना हो। छोटे छोटे क्लिनिक्स में ना लें नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल। ऑल्दो आई रन माई ओन क्लिनिक, लेकिन मैं नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन, इवन कोई छोटा मोटा प्रोसीजर भी अपने क्लिनिक पर नहीं इंकरेज करती हूँ। हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पे के प्रॉपर एनेस्थीजिया, नर्सरी, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, लैब, हर चीज़ की सहूलत मैसर हो, ताकि आप जो है वो किसी भी किस्म के रिस्क से जो है वो बच सकें। तो द टेक होम मैसेज आज की वीडियो से ये है कि अगर आपके बच्चे की गर्दन के गिर्द नाड़ है, तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती।
आपको केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है ड्यूरिंग लेबर, दर्दों के दौरान, और इससे अलावा कुछ भी नहीं। तकरीबन 90% 80% पेशेंट जो होते हैं वो नॉर्मल डिलीवर कर जाते हैं कॉर्ड अराउंड नेक के साथ, और हमने ये खुद किए हुए हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट्स में आ रहे थे कि मेरे बच्चे के गिर्द नाड़ है तो मैं क्या करूँ। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने बच्चे की मूवमेंट का ख्याल रखना है। पूरे दिन में 15 से 20 मूवमेंट या 10 से 15 मूवमेंट अगर आपको बच्चे की हो रही हैं तो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आप कॉन्फिडेंटली अपने लेबर का वेट करें, जब आपको लेबर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है वो आप डेफिनेटली किसी अच्छी जगह पे जाएं जहाँ पे आपके बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर करें। और अगर आपको कोई ये कहता है कि आपके बच्चे के नॉर्मल नाड़ है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो आप उसे कोट करेंगे रेफरेंस के जो रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी की गाइडलाइंस हैं या अमेरिकन बोर्ड ऑफ कंसल्टेंट्स ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स के जो हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाइक करना है, इसको शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स ज़रूर करने हैं। तो इंशाल्लाह आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।